हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल आदम टेक। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई साहब, आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि आप शेफील्ड में घर किस तरह फाइंड कर सकते हैं अगर आप छड़ा सिस्टम चाहते हैं। अगर आपको छड़ा सिस्टम का नहीं पता तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया। ठीक है, छड़ा सिस्टम ये होता है कि ज़्यादा से स्टूडेंट्स मिलकर एक घर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 to 7 स्टूडेंट्स एक घर में रहते हैं, तो ये होता है कि उनके पैसे बच जाते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। एक कमरे में 3-3 स्टूडेंट्स रहते हैं तो किराया 3 पर डिवाइड होता है, उनके लिए ईजी रहता है। ठीक है, तो लोग मुझसे स्टूडेंट से एक क्वेश्चन करते थे कि सर जी, हम घर ले कैसे भाई, हम तो पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं, हमें क्या पता कैसे लेना है। तो भाई इसका इजी रूट यही है कि आप फेसबुक पे जाएं, मार्केट प्लेस ओपन करें, लोकेशन आप शेफील्ड की लगाएं और घर फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हाउसेज मिलते हैं रेंट पे, फिर मार्केट प्लेस पे हज़ारों घर लगे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट प्लेस पे जाएं, सर्च करें रूम्स फॉर रेंट इन शेफील्ड, तो आपको आ जाएंगे जी काफ़ी ज़्यादा घर, और आप उनसे बात करें डिटेल में। ठीक है, एक दफ़ा अच्छा आपको पता चल जाए कि भाई ये भरोसे वाले बंदे हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे भी उनका नंबर शेयर करें, मैं भी एक दफ़ा जाके देखाऊंगा, और अगर मुझे घर अच्छा लगा तो मैं आपके लिए यस करूंगा, फिर ही आप पेमेंट करिएगा। तो वहाँ जो आप पेमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका घर जो है वो बुक हो जाए। तो एक दफ़ा आप एडवांस पेमेंट कर दें तो फिर ये है कि आप जब शेफील्ड में आएंगे भाई, पहले दिन ही जाके आप अपने घर में सोएंगे, तो घर भाई वहीं से बुक करवा के आएंगे। तो अब ये है कि स्टूडेंट्स किस तरह आपने फाइंड करने हैं ज़्यादा से, तो फाइंड करने का यही तरीका है कि मैंने ग्रुप ही इसीलिए बनाया कि यार आप लोग ज़्यादा से आप अपने कॉन्टैक्ट फाइंड कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बनाएं। मेरे ग्रुप बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप बैठ के चैट्स वगैरह करते रहें, ग्रुप का मकसद ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस है अपनी अकोमोडेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में। तो ग्रुप उनका मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक दूसरे की वो हेल्प कर सके। ठीक है, अब आप ग्रुप बना रहे हैं, मैंने इंडियंस और पाकिस्तानी ग्रुप क्यों लैदा बनाया, क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों आपस में रहना पसंद नहीं करते, तो मैं इसलिए लैदा ग्रुप बनाया कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनके साथ रहें। ठीक है, आपके लिए ईजी होगा, आपकी अपनी कम्यूनिटी होगी, तो इसलिए भाई मैंने 2 सेपरेट ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, आपकी ईजी के लिए, ताकि आप अपनी अकोमोडेशन वो ईजिली फाइंड कर सकें। एक मिनट आ रहे हैं, मैं रोड क्रॉस कर लूँ, बस हो गया। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था कि मैंने ग्रुप्स बनाए इसलिए कि यार आप लोग अपनी अकोमोडेशन ईजिली फाइंड कर सके। तो आप जब आप अगर आप इंडिया से, आप हमारे इंडियन ग्रुप में आए, और अगर आप पाकिस्तानियों के साथ रहना चाहते हैं तो भी वेलकम है यार, आप हमारा मिक्स ग्रुप है। आप जब पाकिस्तानियों के साथ रहें, इंडियंस पाकिस्तानियों के साथ रहें, पाकिस्तान इंडियंस के साथ घर लेना चाहते हैं आप वो भी लें। मैं ये नहीं कह रहा, अगर कोई अपने मुल्क के ही बंदों के साथ लेना चाह रहा है तो भाई आप हमारे उस ग्रुप में आ जाए, इंडियंस या पाकिस्तानी ग्रुप में, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें और आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने मुल्क के बंदों के साथ रहने का। तो ये आपके लिए काफ़ी सपोर्ट रहेगा कि मैंने आप लोगों का ग्रुप बना दिया है, या आप लोगों की इजीनेस के लिए बनाया। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं वो, बल्कि मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, इतने मुझे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर दे दे के भाई पागल हो गया, बहुत मुझे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, खुदा की कसम भाई, इतनी तो मेहनत है, बहुत मेहनत है, वीडियो बनाओ, टाइम नहीं है यार। अभी मैं जॉब पर जाना है तो बहुत मुश्किल होता है यार यूट्यूब के लिए टाइम निकालना, और ना मेरा कोई चैनल मोनिटाइज है, ना मुझे कोई पैसे वगैरह मिलते हैं, ना मुझे इंस्टा से कोई पैसे मिलते हैं, ना मुझे कोई स्पॉन्सर मिलता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे है, क्योंकि जब मैं शेफील्ड में आया था भाई, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई भी यहाँ पर यूट्यूब चैनल नहीं था जो कि यूनिवर्सिटी को कवर करे, कोई भी ऐसा नहीं था जो ग्राउंड रिपोर्ट दे। अब तो मैं भाई काम स्टार्ट किया, कंपनीज़ में जाकर जॉब्स देखता हूँ, फिर आपको मैं कंपनीज़ का नाम बता रहा हूँ भाई, बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे आप लोगों का हौसला, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अकोमोडेशन की, तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया आप घर किस तरह ले सकते हैं शेफील्ड सिटी में आने का। ठीक है, अगर आपको कोई घर नहीं मिल रहा, मुझसे इंस्टा पर रब्ता कर सकते हैं, तो मुझसे हो सका, क्योंकि बहुत मैसेज होता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। ठीक है, अगर मैं आपको आंसर ना करूँ, आपने हर चीज़ गुस्सा नहीं करना, क्योंकि भाई मैं बहुत बिजी होता हूँ, बिजी लाइफ है यहाँ पे, आप लोगों को पता ही है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, मैंने आपको ये बताया था आप घर किस तरह शेफील्ड में ले सकते हैं, और दूसरा आप कॉन्टैक्ट किस तरह बना सकते हैं शेफील्ड में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जो कि मैंने ग्रुप्स वगैरह बना दिए हैं। ठीक है, और अब बात कर लीजिए अगली, जो आपने अकोमोडेशन स्टूडेंट की लेनी है या वगैरह लेनी है, दूसरी जो मैं पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन शेयर की थी, अब आपने वो अकोमोडेशन वगैरह लेनी है भाई, उसके लिए मैं एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा, किस तरह आपने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करनी है और किस तरह आपने रूम रेंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो करता हूँ फिनिश, भाई जॉब पर जाना है, 15 मिनट लेट हो गया हूँ, बाय।